हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिए, आज का हमारा जो जो कंटेंट है, जो ब्राइडल मेहंदी जो क्लासेज है, Day 29 है। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मुझे एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मेहंदी पेस्ट के बारे में, जो मेहंदी के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, तो उसमें जो समा मेहंदी होती है ना, समा मेहंदी, वो आप यूज कर सकते हैं। वो ऑनलाइन पे मिलेगी आपको, www.समामेहंदी.com, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बॉम्बे से मंगाता हूँ वो, बट मैं ब्राइडल पे यूज कर लेता हूँ। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ आप लोगों को समझा दिया था कि क्या बोलते हैं उसको उसको कि आप जो जो डब्बे वाली मेहंदी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, काट कर और उसको पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको ऑनलाइन मंगाएं, पाउडर मंगाएं। अगर आपके पास कोकला का पाउडर हो, कोई भी पाउडर हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट उसमें कुछ नहीं। हमें अगर किसी में गांठे ज़्यादा निकल रही है तो आप उसको छान सकते हैं, बट आजकल छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीन तीन चार चार बार सब फिल्टर होके आती है मेहंदी। ठीक है, अगर वो नहीं मिल रही है तो आप कॉर्न मंगा के काट कर और एक किसी कटोरी में उसको मिक्स करके और दोबारा से कॉर्न को भर कर तब आप चलाओगे, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेहंदी चलती है वो। ठीक है, तो देखो इतनी सारे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी, बहुत सारे हैं, तो सबको रिप्लाई करना पड़ा है मुझे, क्योंकि एक्चुअली मैंने गलती कर दी उसमें, मैंने नाम नहीं बताया मेहंदी के बारे में, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें बता दिया। वैसे उसमें बता दिया था वो समा मेहंदी है, और उसको आप मतलब कौन भी यूज कर सकते हो जो आपके दिल में आए। तो देखो आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो है ये हमारी ब्राइडल मेहंदी क्लासेज Day 29 है। उसके साथ साथ क्या होगा, मैं एक आज चीज़ और एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो अब जो वीडियो आएंगी वो चार जो Part 1, 2, 3, 4 पार्ट वाली आएगी। उसमें उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जो सबसे पहले हम लोग फ्रंट हाथ लगा रहे हैं, जैसे आज ये होने वाला, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूल्हा जो हमारा जो मेन होता है जो पर्पस, कि ब्राइडल मेहंदी में 3D डिज़ाइन कैसे बनते हैं और नए नए डिज़ाइन कैसे जो आजकल चल रहे हैं, तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया है। लेकिन इसमें मुझे लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाई है, और बहुत शांति से वीडियो मैंने बनाई है। तो देखो इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है, और जो इसमें मैं एक दूल्हे का फिगर बनाया है वो बनाना है। लेकिन जो अब जो वीडियो आएंगे Part 1, 2, 3, 4, उसमें जो चार पार्ट आएंगे ना, Part 1, 2, 3, 4, उनमें क्या होगा, पहला हम जो फ्रंट का हाथ बनाएंगे, ठीक है, जो फ्रंट का हम लोग हाथ बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पीछे बनाना बताऊंगा मैं आपको, जो फ्रंट आगे पीछे हाथ कैसे लगाते हैं, एक हाथ हो गया, ठीक है। फिर दूसरे हाथ पे बताऊंगा कि एक मतलब उसके भी पीछे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, मतलब दोनों हाथ पहले फ्रंट बनाऊंगा और साइड में बताता जाऊंगा आप लोगों को कि बैक साइड में कैसे बनाना है और कैसे इसको जॉइंट करना है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो वो टेढ़ा लगता है, हाथ घुमाइए तो एक कोना बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाता है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा समझाने वाला हूँ। क्योंकि अब देखो आज Day 29 है, हमारी 21 क्लासेस ब्राइडल बची हुई हैं, तो जो Part 4 आएंगी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। वैसे हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन अब इसमें कुछ यूनिक बनाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ देखो फिगर भी ऐड होंगे उसमें, वीडियो लंबी तो होंगी नो डाउट, बट उसके साथ साथ जैसे एक वीडियो आधा घंटे की प्लस होगी, और उसके बाद में जो बैक साइड का होगा वो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, वो कम वाली होगी, क्योंकि उसके सिर्फ हमें जॉइंट करना है। तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। जो चार पार्ट आ रहे हैं वो तो आप लोगों को देखने ही देखने हैं, प्लीज़ इस वो चार पार्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने हैं और उसको मिस मत करना, क्योंकि यो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और उसमें बहुत कुछ समझाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि बस मैं और कुछ नहीं बोल रहा। पहले इस वीडियो को देखिए, और मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया कि वो चार पार्ट आप लोगों के देखने ही है, उसके बाद में भी बहुत कुछ आने वाला है। फिर साइड वाले फेस शुरू हो जाएंगे 33 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, फिर जो हमारे 17 क्लासेस बचेंगे उन 17 क्लासेस में हमारे फेस चलेंगे, साइड वाले फेस, फ्रंट साइड, दूल्हे के कपड़े कैसे पहनाने चाहिए और दुल्हन की कैसे वो सब, फिर वो फिगर फिगर चलेंगे 17 क्लासेज में। मतलब दो चार वीडियो आएंगी मतलब हाथ भरे भरे, बट ये समझ लो कम से कम 10 या 12 क्लासेस हमारी वो फिगर वाली ही चलेंगी। तो अब आप लोग रेडी रहिए, बहुत ज़्यादा भरे भरे हाथ हमारे हो चुके हैं और आज भी भरा हुआ हाथ है। लेकिन ये जितनी सारी मैंने आप लोगों को ब्राइडल डिजाइन बताए थे वो सारे आप लोग मिला के देखिए एक दिन, सब में बहुत बहुत डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, और वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना और वीडियो को बार बार देखना कि कैसे बनाए हैं। तो डिज़ाइन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी ऐसे आराम से घर बैठे बहुत शांति से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करनी है,
और सबसे बड़ी चीज़ और भी एक चीज़ है कि मुझे इंस्टाग्राम पर कल फिर एक मैसेज आया, और उस लड़की पता हाँ लड़के ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है। वो कह रहा है, सर मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग घर बैठे सीख रहे हैं। बहुत उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स आ रही है, सर पैसा ले लो पैसा ले लो। मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं जो भी क्लासेस दूंगा एक से बढ़कर एक, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट मतलब जो हमें जो सिखाए जाते हैं, तो वो हमारे सर होते थे या लेडीज मतलब मैडम होती थी, तो शेयर करने के लिए मना करती थी। तो अब वो वाले दिन नहीं आए, मैं जो भी करूँगा सबसे शेयर करूँगा कि मैंने कैसे सीखी है और कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो पहले पूरी देखनी है, इसमें फिगर कैसे बनाया, 3D जो लोटस वाले डिजाइन है वो कैसे बनाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, और बहुत समझा भी रहा हूँ, और पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को। तो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे सबसे पहले आप लोगों को बनाना है। इसमें थोड़ा सा भी म्यूजिक डाल देता हूँ, यहाँ पर नीचे मैं चेक बना रहा हूँ, फिर उसके बाद में फिर और समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पहले इसको देखे मैं कैसे बना रहा हूँ, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा म्यूजिक 2 मिनट के लिए। तो देखो हमारा चेक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले चीज़ क्या है कि जैसे मैंने शुरुआत करी है आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। अब ये मत बोलना सर आप भरे हुए हाथ क्यों बनाते हो। देखो मेन चीज़ क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा फ्लावर बना के दिखा दूँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतने तो मैंने आप लोगों को पहले एक से लेके हमारी तो आप तो 29वीं क्लास है, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको डिजाइन भरना सारे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब क्या है हमारी ब्राइडल की बारी है,
क्योंकि काफ़ी अब कमेंट्स कौन से आ रहे हैं कि जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि सर हमें शुरू से सिखाइए। देखो शुरू से मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं, आप ब्राइडल आई मीन जो ब्राइडल क्लासेस हमारा बन है वहाँ से देखना शुरू करिए, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। अगर एकदम 29 पे आओगे तो वो इतना समझ नहीं आएगा, तभी तो व्यूज़ कम है। इसमें रीज़न एक है कि काफ़ी लोगों ने सेव करके रख रखे हैं वीडियो, वो धीरे धीरे देख रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो अब जो 4 पार्ट्स आएंगे वो 1 या 1.5 हफ्ते में कंप्लीट होके आएंगे, और उसके बाद में थोड़ी वीडियो लेट आएगी। क्यों? क्योंकि पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर और समझाऊंगा। एक चीज़ फटाफट डेली, अब अगर मैं एक बताऊँ डेली आधा से घंटे डेली वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें क्या सीखोगे आप? प्रैक्टिस भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप लोगों को क्या बताता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे व्यूज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतने कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं बस वही सीख जाएं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहाँ कहाँ से, गांव से, जम्मू कश्मीर उड़ीसा, बताओ इतनी इतनी दूर से मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए, मेरे क्या बताऊँ, बहुत दिल से शुक्रिया आप लोग वीडियो देखते हो उसके लिए। तो बट आप लोग सीख जाओ, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो इसीलिए तो मैं ब्राइडल मेहंदी क्लासेस देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि नॉर्मल तो बहुत सारे देते हैं, और सिर्फ नॉर्मल भी क्या, बस एक छोटी सी कुछ मैंगो से बना दो, उसमें छोटा डेन भर दो, ए डे वन हो गया, कुछ और बना दो, एक सर्कल बनाना सिखा दिया, दो छोटे छोटे फूल बना दिए, डे 25 हो गया, डे 30 हो गया, ये ब्राइडल मेहंदी क्लासेज हैं। ब्राइडल मेहंदी बोलते हैं शुरू से लेके जो हम लोग मेहंदी ब्राइडल यूज करते हैं, हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ब्राइडल के लेते हैं, ये ऐसी मेहंदी लगाते हैं, तो ये क्या थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आप लोगों को? अगर आप लोग इसको कस्टमर के हाथों पर ट्राई करो या अपने घर वाले किसी पे हाथ पर ट्राई करोगे तो चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कोई आपको ब्राइडल मेहंदी फेल कर दे तो मेहनत करिए आप लोग प्लीज़, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत करके सीखी है, अब ये शुक्र मानो कि इतना अच्छा टीचर आप लोगों को मिल गया है, टीचर बोलो, भाई बोलो, कुछ भी बोल लो आप, कि जो मिल गया है तो उसका फ़ायदा उठा लीजिए, पूरा फ़ायदा उठा लीजिए उस चीज़ का। जिस तरीके से मैं इतने अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं समझाता होगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देख रखी है। ठीक है, तो ये देखो क्या मैं क्या बना रहा हूँ, जलेबी भाई बना रहा हूँ अभी तो मैं, और जो मैं फेस बनाया है मैंने वो मैंने उसमें फास्ट थोड़ा एडिटिंग, मतलब फास्ट नहीं किया, जिस तरीके से मैं हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से मैंने आपको उसमें सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें फास्ट एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसे इसमें थोड़ा सा मैं एडिटिंग मैंने फास्ट कर दी है, क्योंकि ये डिज़ाइन तो आप लोग ईजी से बना सकते हो, बट मेन चीज़ क्या है, सिर्फ डिज़ाइन को हमें समझना होता है कि कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लेनी होती है हमें। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं, हमारी कितनी 29 वीडियोस में मैंने कम से कम नहीं 10 वीडियो में मैंने फुल हाथ भर भर के आप लोगों को सिखाया है, और 10 डिज़ाइन पूरे अलग तरीके से हैं शुरू से लेकर अगर 29 तक आप वीडियो देखोगे तो 50 वीडियो तो कंप्लीट होंगी होंगी, ये तो नो प्रॉब्लम, बट बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं। अब उसके बाद में फिर पाकिस्तानी, फिर बंगाली, फिर कुछ नई नई ट्रेंडिंग आएंगी, जो आएगी कुछ ट्रेंडिंग में, फिर क्या आने वाला, फिर वो, फिर मतलब ये समझ लो आता ही रहेगा कुछ ना कुछ नया। तो बस सीखते रहिए, क्योंकि फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इन वीडियो से। तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दिया करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट्स का तो बिल्कुल भूखा नहीं बट बोल देता हूँ, क्योंकि जब मेहनत से बनाता हूँ तो थोड़ा सा मुँह से निकल जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट मैंने इसलिए फटाफट कर दिया क्योंकि जहाँ पर जो आता है मैं वहीं पर वो बनाता हूँ, तो आप लोग भी ये बेसिक डिज़ाइन सफाई से बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए, तो देखो कितना अच्छा डिज़ाइन लगा रहा है हमारा, तो जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा ही बनाइए आप लोग। देखो डिज़ाइन मैन नहीं होता, सिर्फ डिज़ाइन को हमें समझना होता है कि हमें कहाँ पर क्या बना रहे हैं। हैं देखो वही बेसिक डिज़ाइन बना रहा हूँ, बस छोटा सा स्टाइल घुमाना होता है हमें। तो और मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो अगर जो मैं हाँ जो मैंने बताया था इससे पहले आप लोगों को, जो 4 पार्ट आएंगे उसमें आप लोगों को क्या सीखना है, तो मुझे कमेंट्स करके एक चीज़ ज़रूर बता देना कि उसमें दूल्हा दुल्हन के साथ बनाऊं आप लोगों को पूरी अच्छे से डिटेलिंग में, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, या फिर मुझे एक चीज़ उसे सिंपल तरीके से समझा दूं आप लोगों को, मतलब जिसमें दूल्हा दुल्हन ना बनाऊं और सिर्फ सीधा सीधा हाथ बना के उनको ज्वाइंट करना बताऊं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस टाइप से आप लोगों को सीखना है। उसी टाइप से मैंने आप लोगों को ये जो 4 पार्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसमें रीज़न क्या है कि सारे डिज़ाइन ज्वाइंट करना, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है, और
मतलब मुश्किल तो कुछ नहीं है मेरे लिए तो, खैर क्योंकि मैं तो बनाता रहता हूँ, बट आप लोगों के थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बट ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इन्हीं इन्हीं को बोलते प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी कोर्स, क्योंकि मैं खुद ये डिज़ाइन अपनी ब्राइडल मेहंदी में यूज़ करता हूँ। जब मैं लेता हूँ 11,000 15,000 21,000 ब्राइडल की, हम जो हम लोग लेते हैं तो हम लोग बहुत मेहनत से लगाते हैं। अभी ये तो नहीं कि 2,000 या 1,500 3,100 वो बहुत दिन पहले लेते थे, लेकिन हाँ गाँव में अभी भी चलता है ये। बट ये है कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन गए, मतलब बन सकते हैं, बन नहीं सकते, बन जाओगे अगर मेहनत करोगे तब। देखो बिगर मेहनत के तो कुछ नहीं है, हमने भी बहुत सारी मैंने भी बहुत सारी स्ट्रगल की है, बहुत सारी मेहनत की है, तब जाके मुझे कामयाबी मिली है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज एक मैं छोटी सी बात किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं पिछले परसों में मेहंदी लगाने गया ब्राइडल में, तो ब्राइडल मैंने लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनकी भाभी थी, उन्होंने कहा भैया मेरी लगा दो, आपसे लगवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं लगा देता हूँ। तो मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ कि कितने रुपए लिए थे, बट मैं उनको अच्छी से लगा रहा, तो उन्होंने कहा भैया कुछ नया बनाओ, तो मैंने कुछ और ट्राई किया, तो नहीं भैया कुछ और अच्छा बनाओ। तो मतलब पूरे हाथ पैर मैंने अच्छी से अच्छी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में आके बोल दिया भैया मज़ा नहीं आया। अब मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इस चीज़ से क्या सीखने को मिलती है कि कभी भी हम लोग अगर मेहंदी लगवा रहे हैं मेहंदी आर्टिस्ट से, अगर उसको हम बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेहंदी ख़राब लगेगी ही लगेगी। अगर उसको आपने कुछ नहीं बोला, उसकी अगर बल भरोसे छोड़ दिया, तो वो अपनी मेहनत से बहुत सुंदर मेहंदी लगाएगा। बताओ 15 साल आर्टिस्ट के हम जैसे को कभी कभी लड़कियां जो लेडीज़ होती हैं वो फेल कर देती हैं। फेल क्या मतलब, होता है ना कि एक थोड़ा कोई ज़्यादा कीड़ा होता है मेहंदी का, तो वो बोलते हैं कि नहीं भैया मज़ा नहीं आ रहा। अब बताओ क्या कर सकते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, मज़ा तब आएगा ना जब अच्छे पैसे मिलते हैं। अब एक बताओ 5-10-15 हज़ार की ब्राइडल अगर आप बोलोगे भैया मुझे 5,000 में लगा दो, तो 5,000 जैसा ही काम होगा। अब ये थोड़ी कि 15,000-12,000 ब्राइडल में आपको 5 में लगा दूँ, वो तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है, जिस प्रकार से पेमेंट वो कर रही थी उस प्रकार से मैं अपना डिजाइन बना रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था अच्छी बनाने की। अब वो सोच रही थी कि बहुत हाई लेवल की लगा दें, तो वो तो मैं लगाने वाला हूँ नहीं। तो बस वही चीज़ है कि अगर आप लोग नए आर्टिस्ट बने हैं तो प्लीज़ अच्छी से अच्छी लगाने की कोशिश करें। तो ये देखो आज हमारा इतना डिजाइन कंप्लीट हो गया है, अब इसको फिगर कैसे बनाते हैं वो पूरा देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से अब मैं म्यूजिक अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि फिर 33 मिनट 33 मिनट की वीडियो हमारी है, और अभी 17-18 मिनट हो चुकी हैं, तो 5-7 मिनट का मैं म्यूजिक यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ताकि बहुत सारी फिर बातें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा मन आपका भी लग जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं मिलते हैं जब फिगर बनाते हैं आगे 5 मिनट के बाद, ठीक है।
देखो ये देखो इसमें क्या है, देखो ये वीडियो मैंने आप लोगों को शायद बता दिया है 13, 12, 13 या 9, 10 क्लास में, आई थिंक मुझे याद नहीं है, जो हमारी ब्राइडल मेहंदी क्लासेस हैं। तो ये वही वही वाला फेस है, उसी टाइप से, बस ऊपर वाला हम कैप थोड़ा चेंज कर देंगे, उसमें डिजाइन थोड़ा बदल देंगे, ये लोग बस बदल गया। तो मेन चीज़ क्या है कि अब जो आएंगे वो क्या फ्रंट साइड से फेस आएंगे, बट उसमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत होगी, और बट दिक्कत कुछ भी नहीं है यार। अगर एक बात हो, अगर हमें ये हम लोटस बना रहे हैं, हमें बनाना नहीं आ रहा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार 10 बार 11 बार ट्राई करेंगे, 12 बार 15 बार कभी तो आएगा। उसको बोलते हैं मेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो परफेक्ट बनो। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखो आज का मोटिवेट यही था, और मेरा मोटिवेट मेन यही था, जो 4 क्लासेस आने वाली है प्लीज़ उस पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। पार्ट 1 पे तो बहुत ही ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, क्योंकि 4 पार्ट 2 हाथ के फ्रंट एंड बैक आएंगे, और वो बहुत सारी डिज़ाइन होंगी उसमें, और पाकिस्तानी डिज़ाइन मिक्स होंगी उसमें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसमें चेक आएंगे जो, क्योंकि चेक क्यों आएंगे, क्योंकि जो बैक साइड पे हम जो ब्राइडल लगाते हैं उसमें चेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखनी है वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप लोग ट्राई करिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या बनाना है, मतलब सिंपल वाली ब्राइडल जो 4 पार्ट है वैसे बनानी है, दूल्हा दुल्हन के साथ जैसा आप लोग सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके बता देना कैसा सीखना है, तो वैसे ही मैं अपलोड करके बना दूंगा। तो आज का मोटिवेट यही था, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हर बार कुछ नया लेके आएगा आपका भाई उमेश कुमार, यूके मेहंदी आर्टिस्ट का ऑनर, ठीक है। ऑनर वॉनर कुछ नहीं, बस यूके तो मैंने अपने नाम से ही चैनल बना लिया है, बाकी कोई नाम ही नहीं मिल रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में होना चाहिए, काम में दम है तो नाम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, और हाँ पूरी वीडियो देखना नीचे क्या बनने वाला, बहुत ही सुंदर तरीके से लोटस कंप्लीट होने वाले फिंगर में, डिज़ाइन नहीं बनेंगे इस फिंगर में, कुछ अलग बनने वाला, तो वो चीज़ ध्यान से देखना। ये नहीं कि मैं बोलना बंद कर दिया कि आप लोग बस हो गया काम, बस सर ने सिखा दिया, नहीं पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो मैं तो मिलूंगा क्या नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं सॉन्ग्स अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और ये जो मैंने दूल्हा बनाया इसको इसी तरीके सफाई से पूरा बनाया, इसकी नाक वगैरह टेढ़ी नहीं करनी है, अच्छे से बनाना है दूल्हे को, ठीक है। ओके okay.